दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि टाटा नेव एप्लीकेशन पर आप मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं या फिर कोई और भी बिजली का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी ने अगर अभी तक अकाउंट बनाने वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप सभी वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर टाटा नेव एप्लीकेशन ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर बिल पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे बिल पेमेंट पर। और यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन का जो है, लैंडलाइन, पोस्ट पेड मोबाइल, वाटर, डीटीएच, प्रीपेड। तो यहाँ पर मैं प्रीपेड मोबाइल आप सभी को रिचार्ज करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नंबर आ रहा है, तो आपको नंबर या तो एडिट करके डाल लेना है या कोई अपना नंबर हो वो एडिट करके यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर यहाँ पर एडिट करके डाल लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि ये आपका सिम जो है वो किस कंपनी का है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सिम जो है जियो का है, तो यहाँ पर मैं जियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जियो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप किस राज्य से हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं यूपी ईस्ट कर लेता हूँ। यूपी ईस्ट जैसे करेंगे तो यहाँ पर ये पूछने लगेगा कि आपको कितने रुपए का रिचार्ज कराना है। तो आपको अगर रिचार्ज अमाउंट मालूम है तो यहाँ पर रिचार्ज अमाउंट पर क्लिक करेंगे या फिर व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं व्यू प्लान्स पर क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वैलिडिटी दिखाई दे रही है और प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ISD पैक्ड है, प्राइम है, रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है 1 GB डे मिलेगा 24 दिन का। और इस तरीके से यहाँ पर रिकमेंडेड पर दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर जो है पूरा देख लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है, तो ये 209 रुपये का एक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं ये 209 रुपये वाला जो है रिचार्ज करा देता हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। और जैसे प्रोसीड टू पे पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप सभी से जो है ये पूछेगा कि किसका है। तो यहाँ पर जो है मैं सेल्फ पर क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद ऐड बिल टू कार्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड पर जैसे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर जो है आप सभी को जो है पे करना है, तो यहाँ पर पे पर क्लिक करिए। और पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है वो आप सभी का यहाँ पर बताएगा, तो पे पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी से दो ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए कार्ड पेमेंट का पूछ रहा है, नेट बैंकिंग। अगर आप कोई नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके नेट बैंकिंग आप सभी को सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कार्ड यूज करते हैं तो कार्ड पर क्लिक करना है, कार्ड पेमेंट पर। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करिए और ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी कार्ड की डिटेल्स जो है वो फिल कर लेनी है, या फिर आपके पास कार्ड है तो यहाँ पर आप स्कैन करेंगे कार्ड को, यहाँ पर क्लिक करिए, कार्ड जो है स्कैन कर लीजिए। इस तरीके से कार्ड स्कैन कर लीजिए। तो मैं अपना कार्ड स्कैन कर लेता हूँ। कार्ड यहाँ पर मैंने स्कैन कर लिया है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से कंटिन्यू होने लगेगा, कार्ड एडेड हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है CVV नंबर आपको डालना है, तो CVV नंबर भी मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने CVV नंबर डाल दिया है। CVV नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट जो है वो हो जाएगा, लेकिन आप सभी से 1 टाइम पासवर्ड पूछता है। कंफर्मेशन के लिए आप सभी को यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है 1 टाइम पासवर्ड आ चुका है, 89523 8। और जैसे मेक पेमेंट पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पर दोस्तों देखेंगे कि ये पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग ले रहा है। आपको दोस्तों रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश ऑटोमेटिक ले लेगा, जब तक आप सभी को वेट करना है। और यहां पर दोस्तों देखेंगे कि यहां पर ये पेमेंट जो है वो अभी फिलहाल जो है फेल्ड बता रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से वेट करके फिर से एक बार ट्राई करना है और पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों आप थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे तो यहाँ देखिए पेंडिंग दिखाने लगा, पेमेंट पेंडिंग। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये पेमेंट जो है वो कंफर्म हो जाएगा।
तो आपको बैक टू होम पेज कर लेना है, और जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता तब तक आपको प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है। और ये देखिए यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है थोड़ी देर बाद जो है कंफर्म बता ही देगा। तो इस तरीके से आप जो है आसानी के साथ अपने मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल पेमेंट या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो है आप टाटा न्यू एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। काफ़ी ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।